गदरपुर पुलिस एक्शन मोड में है। इन दिनों गदरपुर पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर आए दिन नशीले पदार्थ विक्रेताओं पर कड़ी नजर रखते हुए आ रही है। आए दिन नशीले पदार्थ विक्रेताओं को जेल भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आज गदरपुर पुलिस ने 1711 नशे के इंजेक्शन के साथ गदरपुर के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कहा है कि दोनों व्यक्तियों के घर से 1711 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि एनडीपीएस की धाराओं के साथ ही दोनों अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नशे से परिवार के अलावा समाज भी गंदा होता जा रहा है और इसे किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। नशे के इंजेक्शन पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? जनपद पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसमें हमारा जो है लगातार थाने स्तर से बहुत ही अच्छी कार्रवाई की जा रही है। जैसे विगत दिनों भी इसमें एक और अन्य मामलों में हमने जो है कार्रवाई की है, तो कल इसी में एक व्यक्ति हैं जो उपदेश हैं, उपदेश सिंह हैं, यहीं के रहने वाले, गदरपुर के रहने वाले, तो इनसे कुछ नशीले इंजेक्शन बरामद हुए और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उस पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। उनके पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि जो ये नशे के इंजेक्शन जहाँ से लाए हैं वो कोई विजय कुमार नाम के व्यक्ति हैं, जो थाना गदरपुर क्षेत्र में ही निवास करते हैं, वार्ड नंबर 3 में, और उनके घर में ये सामान है करके। तो इसमें 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा करते हुए, कार्रवाई करते हुए आगे उनके घर में जो है छानबीन की गई, तो उनकी बरामदगी उनसे 1675 इंजेक्शन है जो कि एबिल, डाइजेपाम, बुप्रीनॉर्फिन के हैं, अलग अलग मात्रा में, जो बुप्रीनॉर्फिन 200, डाइजेपाम 125 और एबिल के लगभग 1350 इंजेक्शन हैं, जिनको रखना, जो लाइसेंस के बिना जो इनको रख नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, और ये लगातार यहाँ युवाओं को ये इंजेक्शन बेचते हैं, जिससे कि हमारी जो है नशे के प्रति जो है युवा जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका फ्यूचर इसमें ख़राब हो रहा है, और लगातार इस पर हमारी जो है निगरानी भी है, नज़र भी थी। तो इसी में उपदेश सिंह को फिर अरेस्ट के बाद फिर उनकी निशानदेही पर विजय सिंह से ये इतना माल जो है रात को बरामद हुआ है। ये अभी जानकारी की जा रही है, पूर्व में तो कोई ऐसा आपराधिक इतिहास इन दोनों का नहीं है, लेकिन इसमें बाकी अन्य जगहों से भी, अन्य थानों से भी हम जानकारी करेंगे इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास है, कोई एनडीपीएस के मामलों में कुछ इस तरह से। अभी इसमें और भी आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं हम, इनसे पूछताछ की जा रही है, और अगर और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस स्टेशन पर कोई इनाम? वही बात सर, सही है। हाँ, इसमें एसएसपी सर से मैं पुरस्कार के लिए जो है अनुरोध करूँगा कि पुलिस टीम को जो है उत्साहवर्धन के लिए 2500 का पारितोषिक दिया जाए। सर, अभी भी कई मेडिकल स्टोर वाले हैं ये काम कर रहे हैं? इसमें हम लोग अभी थानाध्यक्ष और हमारे सीओ साहब हैं यहाँ पर, हम लोग एक टीम बनाएंगे जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ में होंगे और प्रशासन के भी अधिकारी होंगे। संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर हम सारे मेडिकल स्टोर्स पर भी एक बार ऐसे छापामारी की कार्रवाई करेंगे, और अगर उनके पास उन दवाओं को, उन इंजेक्शन को रखने का जो है वैध लाइसेंस नहीं होगा, अगर वो अधिकृत नहीं होंगे और उनके पास इस तरह की कोई दवा इंजेक्शन पाई जाती है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए जो है ख़राब हो, या मात्रा से अधिक अगर पाई जाती है जो रखने के लिए अधिकृत नहीं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। गदरपुर पुलिस ने लगातार 14 दिन एनडीपीएस का मामला दर्ज किया है और नशे के खिलाफ विशेष अभियान गदरपुर पुलिस चला रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कर सीओ साहब के लिए पहले दिन आए तो उन्होंने भी उसमें प्रतिभाग किया मुलजिमों को पकड़ने। नशे को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए पूरा मतलब जनपद स्तर से और पूरा राज्य स्तर से भी डीजीपी सर के भी निर्देश हैं इसमें, और किसी भी तरह से नशे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अवेयरनेस का भी प्रोग्राम लगातार स्कूलों में भी चला रहे हैं और आगे भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। नशे को बिल्कुल जड़ से जो है इसका उन्मूलन करना है, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जो है इसको न बेचे और न ही इसको इस्तेमाल करे। तो अगर इसमें कहीं भी किसी की संलिप्तता पाई जाती है, चाहे वो
थाना क्षेत्र का हो या बाहरी अन्य राज्य से भी अगर यहाँ सप्लाई होती है तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर लगातार उसके बावजूद भी किसी पर दो या तीन अगर अभियोग इस तरह के हैं तो हम उनको भी चिन्हित कर रहे हैं जो बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, उन पर पूर्व में अगर कोई उनका इतिहास है इस तरह के मुकदमे तो उनको चिन्हित कर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी।